अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक वर्नियर कैलिपर शुरू करने की कोशिश करते हैं। वर्नियर कैलिपर होता क्या है, वर्नियर कैलिपर क्यों बना, वर्नियर कैलिपर मयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में मयरमेंट करते हुए जो बहुत सारी नाकामियां फेस करना पड़ती थीं या बहुत सारे जो फॉल्ट रह जाते थे उनको दूर करने के लिए हमें वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल करना पड़ा। वर्नियर कैलिपर की हम डेफिनेशन देख लेते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। डाइक्योरेसी ऑब्टेंड इन मेयरमेंट्स यूजिंग ए मीटर रूलर इज अप टू 1 मिलीमीटर। एक्यूरेसी मतलब जो एग्जैक्ट दुरुस्त पैमाइश थी जो हम मीटर रूलर की मदद से लेते थे वो सिर्फ 1 मिलीमीटर तक होती थी, लेकिन अगर हमें 1 मिलीमीटर से ज़्यादा ठीक दुरुस्त एक्यूरेट मेजरमेंट करने की ज़रूरत पड़ती थी तो उसके लिए हम किसी खास इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते थे, उस इंस्ट्रूमेंट को हम वर्नियर कैलिपर्स कहते हैं। ये आपको बुक के पेज नंबर 10 पे मिलेगा। वर्नियर कैलिपर के नीचे डायग्राम दिखाई गई है। वर्नियर कैलिपर के पास दो जार्स होते हैं। पहला जार फिक्स्ड होता है मेन स्केल के साथ, दूसरा जा मूवेबल जा होता है और ये फिक्स होता है वर्नियर स्केल के साथ। जो ऊपर वाले दोनों जार्स होते हैं ये इस्तेमाल होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का इनर डायामीटर फाइंड करने के लिए। जो नीचे वाले दोनों जार्स होते हैं ये इस्तेमाल होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सटर्नल डायामीटर फाइंड करने के लिए। और ये जो साइड पे आपको स्टेम एक मेटल स्ट्रिप दिखाई दे रही होगी ये इस्तेमाल होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की डेप्थ फाइंड करने के लिए। फॉर एग्जांपल हम लिक्विड की डेप्थ को फाइंड करने के लिए भी एक ग्लास में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो पहला जा है उसके साथ मेन स्केल लगा होता है, मेन स्केल के ऊपर सेंटीमीटर और मिलीमीटर मार्क कर दिए गए होते हैं। जो दूसरा जा है ये वर्नियर स्केल के साथ जुड़ा हुआ होता है और वर्नियर स्केल पर 10 डिवीजन होती हैं, हर डिवीजन 0.9 मिलीमीटर पर मुश्तमिल होती है। अगली स्लाइड पे जाते हैं। वो तो था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उसका, अब इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन देख लेते हैं। वर्नियर कैलिपर ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो इस्तेमाल होता है मेजर करने के लिए छोटी छोटी लेंथ को, जैसा कि इंटरनल एक्सटर्नल डायामीटर हो गया या किसी भी सिलेंडर की लेंथ होगी। आसान से अल्फाज में कैसे याद रखेंगे, वर्नियर कैलिपर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका इस्तेमाल किया जाता है मेजर करने के लिए छोटी लेंथों को, जैसा कि इंटरनल डायामीटर हो गया किसी भी ऑब्जेक्ट का या एक्सटर्नल डायामीटर हो गया किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी सिलेंडर की लेंथ होगी। नेक्स्ट स्लाइड पे डायग्राम है जिसको पहले डिफाइन कर दिया गया है कि इसके दो जार्स होते हैं, दो ही स्केल होते हैं, दो आउटर जार्स होते हैं, बाहर की जानब जो ऊपर की जानब वो इनर डायामीटर फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसी तरीके से स्टेम होती है जो डेप्थ को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन आ जाती है लीस्ट काउंट की, जो कि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है। द डिफरेंस बिटवीन 1 स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवीजन एंड 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज 0.1 मिलीमीटर। सबसे छोटी एक डिवीजन मेन स्केल की और एक वर्नियर स्केल की डिवीजन, उनके दरमियान जो डिफरेंस होता है वो 0.1 मिलीमीटर का होता है और यही लीस्ट काउंट होता है वर्नियर कैलिपर्स का। नेक्स्ट, लीस्ट काउंट कैसे फाइंड करना है, उसका फॉर्मूला क्या है। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है, अच्छा अभी तक हम सिर्फ दो स्केल पढ़े हैं, एक मेन स्केल पढ़ा है, दूसरा वर्नियर स्केल पढ़ा है। पहला जा अटैच होता है मेन स्केल के साथ, दूसरा जा अटैच होता है वर्नियर स्केल के साथ।
जो स्मॉलेस्ट रीडिंग होती है मेन स्केल पर वो 1 मिलीमीटर होती है, उसको डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल पर। कितनी डिवीजन होती हैं उस पर? 10 डिवीजन होती हैं। हमने डिवाइड किया, 0.1 मिलीमीटर इसका आंसर आ गया। अब 0.1 मिलीमीटर को जब हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो ये हमारे पास 0.01 सेंटीमीटर आ गया। ये आपको बुक के पेज नंबर 10 पे सारी डिटेल्स मिलेंगी इसकी। नेक्स्ट आ जाता है कि वर्किंग क्या है वर्नियर कैलिपर्स की, ये किस तरीके से वर्क करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द एरर इफ एनी इन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहला काम आपने क्या करना है वर्नियर कैलिपर्स को पकड़ने के बाद, आपने देखना है क्या इसमें कोई एरर मौजूद है। अगर तो वर्नियर कैलिपर में कोई एरर मौजूद नहीं है तो वर्नियर कैलिपर का जो एरर होगा वो जीरो होगा। क्या कह रहा हूं मैं, जो मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो अगर वो बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं, जैसा कि ये डायग्राम में भी है, मेन स्केल का जीरो अगर वर्नियर स्केल के जीरो के बिल्कुल आमने सामने है तो उस डिवाइस में जीरो एरर है। जीरो का मतलब कोई नहीं, एरर का मतलब गलती। तो उस डिवाइस में जीरो एरर है, कोई एरर मौजूद नहीं है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द एरर। सबसे पहला काम करना है कि आपने एरर को फाइंड करना है, इफ एनी इन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अगर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर मौजूद है इट इज कॉल्ड द जीरो एरर। तो जीरो वाला एरर है इंस्ट्रूमेंट में, अगर जीरो जीरो आपस में कंसाइड कर रहे हैं तो जीरो वाला एरर नहीं है। नोइंग द जीरो एरर नेसेसरी करेक्शन कैन बी मेड टू फाइंड द करेक्ट मेजरमेंट। उस एरर को ढूंढने के लिए हमने जो जरूरी होगा वहां पे मेजरमेंट्स करना वो करेंगे। सच अ करेक्शन इज कॉल्ड जीरो करेक्शन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो वहां पर जो हम करेक्शन कर लेंगे वो जीरो वाली करेक्शन करेंगे। थोड़ी खिचड़ी पकड़ी होगी दिमाग में, इसको समझना कैसे है। अगर मेन स्केल का जीरो वर्नियर स्केल के जीरो के आमने सामने है तो उस डिवाइस का वो जो जीरो है, जीरो एरर है, वो जीरो है, यानी कि कोई एरर मौजूद नहीं है। अगर मेन स्केल का जीरो वर्नियर स्केल के जीरो के आमने सामने नहीं है तो उस डिवाइस में जीरो एरर है। किस वजह से है, हमने वो गलती ढूंढनी है, हमने उसकी करेक्शन करनी है, तो इस प्रोसेस को हम जीरो करेक्शन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स कहेंगे। नेक्स्ट आ जाता है जीरो एरर एंड जीरो करेक्शन। बात वही आ गई, टू फाइंड द जीरो एरर क्लोज द जार्स ऑफ वर्नियर कैलिपर्स जेंटली। वर्नियर कैलिपर्स के ये दोनों जबड़ों को आराम से बंद कर देना है। इफ जीरो लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल कंसाइड्स, अगर जीरो वाली लाइन वर्नियर स्केल की टकरा जाए विद जीरो ऑफ द मेन स्केल, मेन स्केल के जीरो के साथ, देन द जीरो एरर इज जीरो। तो उस डिवाइस में जीरो एरर जीरो होगा, कोई एरर मौजूद नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाता है कि व्हेन जीरो एरर विल एग्जिस्ट, जीरो एरर कब होता है, हमें कैसे पता चलेगा कि जीरो एरर मौजूद है। जीरो एरर विल एग्जिस्ट इफ जीरो ऑफ मेन स्केल इज नॉट कंसाइडिंग विद जीरो ऑफ वर्नियर स्केल। वही बात आ गई, अगर मेन स्केल का जीरो वर्नियर स्केल के जीरो से टकरा रहा है तो जीरो एरर नहीं है। अगर वो नहीं टकरा रहा, नहीं कोइंसाइड्स कर रहा, तो इट्स मीन उस डिवाइस में जीरो एरर मौजूद है। अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखें तो जो नीचे वाला जीरो है वो थोड़ा सा वो राइट साइड पे है, यानी इस डिवाइस में जीरो एरर है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरर, कितने किस्म के एरर्स होते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ एरर्स। पहला है पॉजिटिव जीरो एरर, दूसरा है नेगेटिव जीरो एरर। अब पॉजिटिव जीरो एरर क्या होता है उसे देख लेते हैं। जीरो एरर विल बी पॉजिटिव इफ जीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल इज ऑन द राइट साइड जीरो ऑफ द मेन स्केल। अगर ये जो नीचे वाला वर्नियर स्केल, इसका जीरो
ऊपर वाले मेन स्केल के राइट साइड पे हो तो जो जीरो एरर होगा वो पॉजिटिव होगा। जब ये वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के राइट साइड पे हुआ तो कौन सी लाइनें आमने सामने जाके टकराई? तो वो पॉइंट नंबर थ्री यानी कि थर्ड पे जाके कंसाइड किया वर्नियर स्केल डिवीजन ने। नेगेटिव जीरो एरर क्या होता है? जीरो एरर विल बी नेगेटिव। जीरो एरर नेगेटिव होगा इफ जीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द जीरो ऑफ मेन स्केल। अगर वर्नियर स्केल का जीरो नीचे वाले वर्नियर स्केल का जीरो ऊपर वाले मेन स्केल के जीरो के लेफ्ट साइड पे चला जाता है तो वहां पे जो जीरो एरर होगा वो नेगेटिव होगा। इन दोनों में डिफरेंस भी आ जाता है कि जीरो एरर पॉजिटिव कब होता है, जीरो एरर नेगेटिव कब होता है। जीरो एरर पॉजिटिव तब होता है जब वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के राइट साइड पे हो जाए, और जीरो एरर नेगेटिव कब होता है जब वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से लेफ्ट साइड पे आ जाए जैसा कि ये है, तो तब जीरो एरर क्या होगा? नेगेटिव होगा। होप सो ये आपको टॉपिक सारा अच्छे से समझ आ गया होगा। थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं इस टॉपिक के बारे में। हमने पढ़ा था कुछ मायरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, उनमें मीटर रूलर के बारे में भी पढ़ा था। मीटर रूलर से जो एक्यूरेसी ऑब्टेंड होती थी वो 1 मिलीमीटर की थी। अब वो एक्यूरेसी जो हमें 1 मिलीमीटर से ज़्यादा चाहिए होती थी उसके लिए हम किसी खास इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते थे जिसे वर्नियर कैलिपर्स कहते थे। वर्नियर कैलिपर्स के पास दो जार्स होते थे। पहला जार मेन स्केल के साथ जुड़ा हुआ होता था, वो फिक्स्ड जार होता था, वो हरकत नहीं कर सकता था। दूसरा जार मूवेबल जार होता था, उसको आप अपनी मर्जी से मूव कर सकते थे, और उस मूवेबल जार के साथ वर्नियर स्केल लगा हुआ होता था। इसी तरह नीचे जैसे दो जार्स थे ऊपर भी उसी तरह दो जार्स थे। नीचे वाले दोनों जार्स इस्तेमाल होते थे किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सटर्नल डायमीटर फाइंड करने के लिए, ऊपर वाले दोनों जार्स इस्तेमाल होते थे किसी भी ऑब्जेक्ट का इंटरनल डायमीटर फाइंड करने के लिए। लाइक अगर एक ग्लास है, ग्लास का इंटरनल डायमीटर फाइंड करना है तो उसके लिए हमें आउटर जार्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो आगे एक स्टेम होती थी उसको हम किसी भी ऑब्जेक्ट की डेप्थ फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करते थे। इसी तरह हमने लीस्ट काउंट की डेफिनेशन पढ़ी कि जो डिफरेंस होता है 1 मेन स्केल डिवीजन एंड 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज 0.1 mm, डेट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। फॉर्मूला पढ़ा, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। डिवाइड करने के बाद सेंटीमीटर में 0.01 आंसर आ गया। उसके बाद हमने इसकी वर्किंग पढ़ी, इसको किस तरीके से काम कारामत करना है, किस तरीके से इसको काम में लाना है। हमने कहा कि जबड़ों को आराम से जेंटली बंद करें, अगर तो जीरो एरर मौजूद है तो उसको दूर करें, अगर मौजूद नहीं है तो आप अपनी मेजरमेंट्स कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर एरर मौजूद है तो एरर दो तरह का हो सकता है। पहला पॉजिटिव जीरो एरर हो सकता है, दूसरा नेगेटिव जीरो एरर हो सकता है। पॉजिटिव जीरो एरर में हमने ये पढ़ा, अगर जीरो राइट साइड पे है तो जीरो एरर पॉजिटिव है, अगर जीरो वर्नियर स्केल का मेन स्केल से लेफ्ट साइड पे है तो जीरो एरर नेगेटिव है। ये था वर्नियर कैलिपर टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू शॉर्ट क्वेश्चंस या अकॉर्डिंग टू लॉन्ग क्वेश्चन। इसको आपने अच्छे से मेमोराइज करना है। होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। बुक से पेज नंबर 10 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड पीटीबी की। इन केस कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेश्चन, विदाउट एनी हेजिटेशन आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।